नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना बीप न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के सतना मैहर से, सड़ा खाना हुआ बच्चों को वितरित। सतना जिले के मैहर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालय में निर्मला ज्योति स्व सहायता समूह रीवा द्वारा बच्चों को खाना वितरित करने का ठेका है। स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों को सड़ा हुआ खाना वितरित किया गया, जिसके लिए शासकीय स्कूल वार्ड क्रमांक 3 के प्राचार्य रविशंकर मिश्रा BAC सुभाष चौरसिया की शिकायत पर SDM मैहर ने जाँच के लिए RI को तत्काल स्कूल भेजा। क्या आप कभी अपने बच्चों को सड़ी हुई दाल, बदबूदार सब्जी, दाल में रेंगती हुई सुंडी, कभी अपने बच्चों को ऐसा खाना खाते हुए देख सकते हैं? नहीं ना, आइए आज हम आपको दिखाते हैं निर्मला ज्योति स्व सहायता समूह का यह कारनामा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सतना मैहर से भीम सिंह की रिपोर्ट। आज तो बदबू मार रहा है। जी सर, पता चला अभी। आप लोग अभी खाना खाए कि नहीं खाए? नहीं खाए, नहीं खाए। तो इसकी आपने कंप्लेंट किसी से की क्या? सर को भोजन जो बंद किया था, बच्चों को बांटा जाता है MDM के तहत, क्या मामला है? आज जैसे खाना आया तो ये बदबू मार रहा है, बच्चे इसको खाने से मना कर दिए। सर, आपने स्वयं देखा होगा कि जिस तरह से भोजन वहाँ से उपलब्ध कराया जा रहा है, आज 4 से 5 दिन से भोजन वहाँ से मिला से यहाँ जहाँ से भी बन करके आता हो, 2 दिन केवल भोजन विद्यालय को उपलब्ध हो पाया है। आज कंडीशन आप स्वयं देख सकते हैं, दाल में दूध से बदबू आती है। जैसे ही मैं सुनभव बच्चों को खाने का कोशिश की और बच्चों को देने का प्रयास किया, मुझे स्वयं बनाने के लिए लगे हैं, बच्चों को ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं, न कि बच्चों को कुपोषित करने के लिए। आपके द्वारा जांच की गई पूर्व माध्यमिक विद्यालय वार्ड क्रमांक 3, यहाँ पे मध्यान्ह भोजन को लेकर कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, क्या मामला था? यहाँ से स्कूल के प्रधान अध्यापक द्वारा SDM साहब को दी गई थी, आज की जो दाल आई है, ये दाल बताई कि निर्मला ज्योति महिला मंडल द्वारा सप्लाई की जाए। वार्ड क्रमांक 18 माध्यमिक शाला में आज ये भोजन बांटा जा रहा है जो MDM के तहत, क्या मामला है, कैसे इस भोजन से? देखिए, ये जो खाना आ रहा है, शासन ने जो ये ठेकेदारी किया है, ऐसे ठेकेदारी में बच्चों का जो है भविष्य बेकार है। जैसे ये खाना दे रहे हैं, इसमें से ये पोषित बच्चे नहीं बना रहे, कुपोषित बना रहे, और जिससे कि ऐसे खाने में बच्चों का भविष्य, बच्चों का जो हालत है, आज नहीं तो कल गंभीर स्थिति में चला जाएगा। आज प्राथमिक शाला वार्ड क्रमांक 3 में मध्यान्ह भोजन का जो पर्चा जा रहा है, इसमें आपने क्या जांच किया गया? विगत दिनों हमारे यहाँ आदेश इस समिति के द्वारा लाया गया, तो जिला पंचायत के द्वारा इन्हें निर्मला ज्योति महिला मंडल निराला नगर रीवा, ये समिति है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वही नगर पालिका क्षेत्र में जो स्कूलें हैं वहाँ पे खाना वितरित करने के लिए, ये इनका किचन बना हुआ है अमरपाटन में। अमरपाटन जो बांटा गया, क्या मामला था? ये एक समिति के द्वारा प्रदाय की जाती है, दिए जब हमारे रसोइये बांट रहे थे तो उसमें सड़े आलू मिले और एक बच्चे के चावल में सूड़ी मिली। हमने बच्चों को